हेलो एवरीवन माय नेम इज इनीश सिंह ठाकुर आई वेलकम यू टू अ वंडरफुल वीडियो यह वीडियो आपके बहुत काम आएगा वीडियो का नाम है हेजिंग हेजिंग कैसे करते हैं क्या होती है और लाइव एग्जाम्पल है इस वीडियो में तो मेरे हिसाब से लर्निंग तभी तो प्रैक्टिकल होती है जब आप कोई चीज थ्योरी में बताओ और खुद करके दिखाओ सेम चीज मैंने कल अपने बैच के साथ डिस्कस की थी पूरे के पूरे बुमिंग ट्रेडर्स के साथ तो सोचा के साथ भी कुछ चीजें शेयर करूं तो चलो स्टार्ट करते हैं कई से देखो हैजिंग का मतलब होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना किसी डाउन के लिए जैसे बोलते कि गोल्ड एक हेज है गोल्ड हेज क्यों बोलते हैं क्योंकि हो सकता है स्टॉक मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज के कारण गिरावट आ जाए बट गोल्ड एक ऐसा प्रेशियस मेटल है जो ऊपर की तरफ बढ़ते आ रहा है काफी डेकेड से ईयर भी नहीं डेकेड बोलूंगा दस साल के पीरियड को डेकेड कहते हैं काफी डेकेड से गोल्ड अपने बचा रहा है इन्फ्लेशन से तो ऐसा कहते हैं गोल्ड एक इन्फ्लेशन हेज है बिटकॉइन आने वाले फ्यूचर का हेज है तो हेज का मतलब वो बैकअप प्लान होता है कि अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया जैसे कि आप लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हो कार इंश्योरेंस खरीदते हो हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हो है ना हम देते हैं साल का चालीस हजार पचास हजार और मान लो कुछ हुआ नहीं हमने हॉस्पिटल का बिल भरा नहीं तो कई लोग को लगता है यार बर्बाद हो गया पैसा एक्जैक्टली exactly. लेकिन अगर जरूरत पड़ गई तो और दस लाख रुपए कहां से आएंगे पंद्रह लाख रुपए कहां से आएंगे पांच लाख रुपए वो इंश्योरेंस से आएंगे तो हेज का मतलब लोगों को लगता है जिन लोगों को नहीं मालूम है कि बहुत ज्यादा कोई इट्स अ पॉजिटिव वर्ड है है हेज की बाप रे हमें मालूम नहीं और जिन्हें मालूम है वो करोड़पति बन रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है हेज खरीदना इज जस्ट लाइक बाइंग एन इंश्योरेंस आपका अगर कुछ नेगेटिव हुआ तो हेज काम आएगा तो क्या हैज आपको पूरी तरीके से बचा लेगा नहीं कार भी ठुकती है तो कार की पूरी 100% वैल्यू मिलती है क्या

तो देखो निफ्टी का हेज काफी वीकर है इसलिए वीक तीन सौ पॉइंट दूर कर लिया मैंने कोई ज्यादा मैंनेज नहीं है वो क्योंकि बस मेरे को आ, काफी कॉन्फिडेंस था मेरे ट्रेड में इसलिए मैंने वो थोड़ा सा मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए ऐसे मैंने ले लिया लेकिन जो रिलायंस रिलायंस का है है में अभी रिजल्ट आना मंडे को तो मंडे को सॉरी फ्राइडे को और रिलायंस की हिस्ट्री दिखाऊंगा मैं वीडियो में आपको हमेशा अपने रिजल्ट के बाद वो एक फुल बैक देता है बड़ा अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है बिकॉज ऑफ द न्यूज इफेक्ट क्रूड ऑयल इफेक्ट कि अगर मान लो बॉम्बेस्टिक रिजल्ट भी लॉन्च किया अगर मान लो मार्केट मैं शॉर्ट देखो मैंने

इसलिए मेरा मोस्टली मेरे हिसाब से रिलायंस नीचे जाने इसलिए मैंने ट्रेड लिया हुआ है और ये हेज बना करके मैंने ट्रेड लिया हुआ है तो ऐसे में देखो क्या हुआ रिलैक्स एकदम चिल माइंड के साथ हम ट्रेडिंग कर रहे हैं देखो हो सकता है कुछ लोग महान होंगे बहुत अच्छा कर रहे होंगे लाइफ में बट मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं डेली ऑप्शन बाइंग करके पैसा कमाना बहुत टफ काम है आप ऑप्शन बाइंग तभी करें जब आपका सुपर सेटअप लगता है जब आपको बहुत बड़ा सेटअप हाथ में मिलता है आपका रेगुलर सेटअप आता है रेयर होता है हर दिन बड़ा मूवमेंट एक साइड नहीं आता इसीलिए ऑप्शन सेल भी करें निफ्टी में ऑप्शन सेल करके करके भी दिखाया मैंने तो और हेज काम करें कभी कभी जब आपको जरूरत हो तो आज का वीडियो लाइव एग्जांपल में देखो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा अगर पसंद है तो वीडियो लाइक करना लाइक करने से एलगोरिदम यूट्यूब का बढ़ाता है सब लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब वाला ना वो बेल आइकन में बटन भी दबा देना हम वन मिलियन बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं ऐसे एक्साइटिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे चलो अब मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूं मिलते हैं आपको इस वीडियो के एंड में सो हेलो एवरीवन सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आज जब भी मैं कुछ इनोवेटिव करता हूँ या नया करता हूँ कुछ ऐसा करता हूँ जो शेयर करने लायक होना चाहिए जिससे सारे लोगों को सीखने मिलेगा तो मैं सीख तो मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ तो चलो डिस्कस करते पहले मैं आपके साथ मेरा निफ्टी का ट्रेड डिस्कस करता हूँ फिर मैं रिलायंस का मे मंथ का ट्रेड डिस्कस करूंगा ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे और निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो कल ही मैं अपनी टीम के साथ डिस्कस कर रहा था। क्या डिस्कस कर कर रहा रहा था था क्या कि आज मेरे को दिख रहा है कि मेरे को यहाँ पे एक सेल अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्यों सेल अपॉर्चुनिटी में ले रहा हूँ देखो सबसे पहले मार्केट हैज ओपन गैप डाउन ये देखो मार्केट अपने एकदम रेजिस्टेंस पॉइंट को जो मतलब मार्केट पहले ऊपर गया गिरा टू हंड्रेड रेजिस्टेंस लेके गैपडाउन ओपन हुआ मार्केट इस ने फिर से एक बार दिन का लो ब्रेक किया सो दिस इज द पॉइंट वेर अ सेल कैन बी इनिशिएटेड ठीक है कीपिंग अवर स्टॉप लॉस अब पिविट करीबन करीबन इस स्कैंडल मतलब इस स्कैंडल के ऊपर मतलब कितने का स्टॉप लॉस अपन को लेना चाहिए करीबन करीबन यहाँ कहीं पे हमने इसे शॉर्ट करना यही कहीं पे हमने इसे शॉर्ट किया हुआ है कहीं पे यही कहीं पे तो अराउंड अराउंड हम 25 30 30 30 ₹ के आसपास का स्टॉप लॉस लेके तो 30 का क्या है? मतलब इवन यहाँ तक का भी ले सकते हैं ₹40 का स्टॉप लॉस जो रीसेंट स्विंग है इसके ऊपर ये ₹40 का स्टॉप लॉस लेके हम

मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया है लगभग मैं यहाँ पे था तो भी मेरे को दिखा रहा था, भी तो so, शार्प अच्छा फॉल तो आएगा तो भी पैसा कमाऊंगा क्योंकि मैंने इनना बारी शॉर्ट किया है स्लोली मूव डाउन आएगा तो भी पैसा कमाऊंगा साइडवेज जाएगा तो भी एटलीस्ट ब्रेक इवन से थोड़ा सा दो चार पांच हजार रुपए कमाऊंगा एक ही म... Time है जब मेरे को होगा वो stop. अपने डायरेक्शन से उल्टे डायरेक्शन में मार्केट जाएगा तो वो तो मैं पुट खरीदता तो भी मेरे को लॉस होता तो फ्यूचर करता तो भी मेरे को होता तो देखो दिस इज द रीजन वाई क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा कैप्टन खुल चुका है मेरे को पता नहीं कितना ज्यादा मार्केट का एटीआर बचा होगा कितना मूव करेगा इसलिए हमने इसे शॉर्ट कर दिया है ठीक है so, रिलायंस ट्रेड नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिलायंस रिलायंस ट्रेड इज का स्विंग ट्रेड टू होल्ड मैं आपको रिलायंस के चार्ट लेके जाता हूं मैंने रिलायंस आपको मार्केट एनालिसिस में भी शॉर्ट करने बोला था और यहां कहीं मैंने शॉर्ट करने बोला था बढ़िया मार्केट एक मूवमेंट देके वापस पुल बैक दे के वापस ऊपर की तरफ कंसॉलिडेट कर रहा है ये ऐसा क्यों कर रहा है ये ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि परफेक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके पहले तो इसके ऊपर ग्लोबल इंफ्लुएंस की की है दूसरा इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट बहुत अच्छा है अब क्या है इसका रिजल्ट आने का है बस फ्राइडे को इसका रिजल्ट आ जाएगा अब मैं आपको ना इसके कुछ पास्ट हिस्ट्रीज दिखाता हूँ जब जब रिलायंस का रिजल्ट आया है मार्केट उसके पहले पंप हुआ है और उसके बाद मार्केट में काफी अच्छी सेलिंग देखने को मिलती जैसे इस बार की बात करेंगे रिजल्ट जिस दिन आया उसके अगले दिन वी हैव वी एव अराउंड सो अरासेंट फॉल रिलायंस चलो बढ़िया चार परसेंट का फॉल दे दिया यहाँ पे रिलायंस यह तो रिजल्ट आने के दो दिन पहले से मार्केट ने करीब करीब चार परसेंट का फॉल दे दिया चलो कोई बात नहीं और पीछे जाते हैं जिस दिन रिजल्ट आया मार्केट ने फिर रिजल्ट देने की आने वाले चार दिन के अंदर हमको फिर से रिजल्ट आने के बाद तीन चार दिन पहले पंप हुआ फिर पांच परसेंट डाउन हो गया फिर बात करते रिजल्ट की तो आपके सामने हिस्टोरिकल डेटा है फिर बिफोर द रिजल्ट इट कम्ड एंड आफ्टर द रिजल्ट अगेन मतलब एक क्या बोलना चाहिए हाई बना के करीब करीब पांच परसेंट रिजल्ट दिया तो क्या कितने देखोगे लोग उसके पहले का देखोगे तो मार्केट फिर से आप देखोगे जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन से आने वाले चार दिन मार्केट दस से ग्यारह परसेंट फॉलो हो गई तो मैं आपको कितना पास दिखाऊं और दिखाऊं यह देखो फिर रिजल्ट जिस दिन आया है जिस दिन रिजल्ट आया है मार्केट ऊपर गई है कितने परसेंट ऊपर गई है कोई दिक्कत नहीं ऊपर गई है तो करीब करीब एक दो परसेंट ऊपर गई और अगले दिन छह से सात परसेंट डाउन हुई है तो इसको क्या देखो ये हिस्टोरिकल डेटा है रिलायंस का अब उसके बाद क्या है मार्केट ऑलरेडी सिमिलर पैटर्न में बिफोर अच्छा खासा पंप कर चुका है दूसरी बात है अगर थोड़ा ऊपर भी जाता ऑल टाइम हाई है तो रिजल्ट आ रहा है अच्छा रिजल्ट आएगा तो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फंडामेंटली प्लस टेक्निकली टेक्निकली मतलब डाउ थ्योरी क्या कहती है मैंने आपको बताया कई बार दाउ थ्योरी टेल्स यू की मार्केट ना कभी भी मार्केट ना कभी भी

अगर ऐसा करेंगे तो इसीलिए मैंने मैंने क्या किया अपने मेन ट्रेड के लिए फ्यूचर लॉट कर हमें मतलब पैसा मिलेगा लेकिन मान लो कुछ बुरा हो गया तो मान लो फ्यूचर लॉट लॉस देने लग गया जैसा कि वो फिलहाल दे रहा है तो वट इज द प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन क्या है हमारे पास हमने उनतीस सौ का कॉल ऑप्शन भी बाय कर रखा है उनतीस सौ मतलब ये रहा अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग पुश अप होता है देखो फायदा क्या है कॉल ऑप्शन से हेज़ करने का कि कॉल ऑप्शन गिर कितना सकता है कितना गिर सकता है सिक्सटी सेवन रुपीज का मैंने इसको बाय किया है तो सिक्सटी सेवन पॉइंट टू टू इंटू पांच हजार कर लो ये मेरे को लॉस ज्यादा से ज्यादा तीन लाख छत्तीस हजार का दे सकता है ज्यादा से ज्यादा अगर ये जीरो हो गया तो और ये जीरो नहीं होने वाला ना मैं आपको बता देता हूँ तो, तो होने से रहा लेकिन इंटू पांच हजार करो तो दो लाख का मेरे को लॉस देगा और दो लाख का लॉस देगा मतलब काफी बड़ा फॉल आएगा इसमें बड़ा फॉल आएगा तो मुझे फ्यूचर में अगर मार्केट मतलब तीन परसेंट भी गिरता है तीन परसेंट मतलब कि 2800 का सेंट मान लो तो अट्ठाईस इंटू एस एंटू पांच हजार प्रॉफिट चार लाख बीस हजार फिर भी मैं कमाऊंगा तो मेरी है है मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। और मान लो शूट कर गया तो तो देखो सिक्सटी का ये बढ़ के कितना हो सकता है आपके हिसाब से भाई देखो 120 भी हो सकता है 180 भी हो सकता है ये जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना ऑप्शन बाइंग में कोई लिमिट नहीं होती तो दिस कुड इंक्रीज कितना भी बढ़ सकता है ये डबल ट्रिपल चार गुना भी हो सकता है हाँ, प्रॉफिट देगा मेरे मेरे को को और ये लॉस तो ये हेज़ मेरी लगभग लगभग मेरा ज़्यादा है, तो मुझे, बचाएगा। तो मुझे टेंशन की बात ही नहीं है तो आई होप यू नॉर्मल भी डिलीवरी पे लिया हुआ है मैंने और आराम से, -से होल्ड करूंगा और देखो जहां मेरे को दिखेगा कि मार्केट ना रिजल्ट आ चुका और मार्केट रेड कैंडल देने लग गया है हम क्या कर सकते हैं तोड़ सकते हैं चाहे तो सो so, तो नहीं करना चाहिए बट आई एम गिविंग यू आई एम जस्ट टेलिंग यू कि चाहे तो, तो तोड़ सकते हैं बट मैं शायद ही तोड़ूंगा हाँ कंफर्म हो जाएगा तो मेरे को मार्जिन बेनिफिट हटा दूंगा तो भी प्रॉब्लम नहीं फंड्स रहते हैं मेरा अकाउंट में मैं हटा दूंगा मेरा मन किया तो वो डिपेंड करता है मेरा उस वक्त क्या करना है उस वक्त की प्लानिंग फिलहाल की प्लानिंग में बढ़िया हेज करके हमने रिलायंस के ट्रेड को लिया हुआ है और बढ़िया से इसको अपन होल्ड करने वाले हैं मे बी और क्वांटिटी बढ़ा दे जब हमारा ये हो जाए क्या बोलते हैं जब ये चीज हो जाए कि यार ये रेड कैंडल बनाना चालू कर दिया है तो कैसे मालूम चलेगा विल सी बिग फॉल वी विल सी अग वन आवर के कैंडल वन आवर के टाइम फ्रेम पे बड़ा रेड कैंडल मिलेगा अपन को वन आवर के टाइम फ्रेम पे हमेशा बड़ा अपन को रेड कैंडल मिलेगा अबाउट दिस तो देखो मजे की बात ये कि मेरे जो दोनों ट्रेड्स है ना एकदम बिस्तर की आपको बता रहा था रिलायंस का ट्रेड आइडिया समझा दिया मैंने और इंट्रा डे पे भी रिलायंस अभी शॉर्ट जाने की जा सकता अगर इसको ये नीचे जाता है तो संभाल लेता तो अलग बात है बट मेरा ना दोनों का दोनों आइडिया सेलिंग की तरफ ही मेरा मेन ट्रेड तो सेल वाला है ये भी सेल वाला है ये भी कॉल सेल वाला है मतलब तरीके से तो दोनों पे मैं शॉर्ट हूं लॉन्ग नहीं हूं तो हैज है मेरा स्टिल मैंने अच्छा हेज बाय किया मैंने एकदम तो फॉर्मेलिटी के लिए बाय नहीं किया है तो लोग तीन हजार का कॉल बाय करेंगे जिसके वो कुछ भी प्रीमियम वैल्यू नहीं रहेगी तो प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएगा हेज ये मेरे को प्रोटेक्ट करेगा अगर बड़ा अप गा, गा, खुल गया तो मेरे अकाउंट को कुछ प्रॉब्लम नहीं होने देगा ये कि भाई बहुत बड़ा गैप अप खुल गया आपका तो बहुत ज्यादा लॉस हो गया पंद्रह लाख लॉस दिखा रहा है दस लाख लॉस दिख रहे हैं, नहीं होगा ये 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 लॉस मेरे मेरे को अच्छा मेरे को अच्छा अच्छा प्रॉफिट देगा देखो देखो अभी से कवर कर रहा है तो मेरा रिलायंस का भी मैं शॉर्ट हूँ और निफ्टी पे भी मैं शॉर्ट हूँ तो मेरे दोनों भले ही एक स्विंग आइडिया एक इंटरडे आइडिया लेकिन वो अभी से नहीं शेड हो सकता है क्योंकि मार्केट इज ऑलरेडी यू नो एक बड़ा पंप दे के रिजेक्शन लिया इंटरडे लेवल पे भी और फिर से मतलब नहीं ब्रेक कर पाया वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू शेयर हर दिन ऑप्शन बाइंग के लिए नहीं होता है बट बड़ा लॉर्ड ऑफ पीपल आर ट्रेन ऑप्शन बाइंग ओके सब कुछ भगवान टेक के लोग सब कुछ जो कर रहे हैं ऑप्शन बाइंग डेली और सही होता है बट ऑप्शन बाइंग कैसा होता है ना एक बड़ा मोमेंटम होता है उस कॉमन सेंस है इसमें कोई बहस की बात नहीं है कि नहीं 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 रोज होता है नहीं 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 आपको ट्रेडिंग नहीं आती ठीक सबका ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता है मैं आपको बता रहा हूँ मैं क्लियरली बता सकता हूँ हर दिन ऑप्शन बाइंग के लिए नहीं होता है क्यों बोल रहा रो देखो मैंने अभी अपनी ऑर्डर बुक चेक की मैंने साढ़े दस टे ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है यहाँ पे जब मार्केट था तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है ऑप्शन सेलिंग का देखो मार्केट अभी तक मेरे को लग रहा था यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है बट मार्केट इतना ऊपर आ गया तो भी प्रॉफिट दिखा रहा था अभी मार्केट इतना दूर जा चुका है मेरे पॉइंट से मतलब इट मैंने अगर शॉर्ट किया फोर्टी थ्री पे लगभग बीस रुपए बट मेरा लॉस मेरे को ना ज्यादा से ज्यादा पंद्रह दिखा रहा था बारह पंद्रह ठ सात हजार दिखा रहे हो टेंशन ही नहीं है प्रॉफिट की बात करोगे तो प्रॉफिट दिखा दिया था मेरे को आपको पता है बाईस पच्चीस हजार रुपए का तो दिस इज सच अ दिसक्सड फीलिंग राइट नाउ कि तो मार्केट इज गोइंग अगेंस्ट मी इट्स गोइंग सो मच अगेंस्ट मी बाइंग में अगर मैं करता ये चीज तो नहीं मेरे को लॉस दिखा रहा होता बट ये मेरे को बड़ा लॉस नहीं दिखा रहा है मुझे छोटा लॉस दिखा रहा है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वेन यूर वेन यूर यू नो यू नो ऑलरेडी बड़ा मोमेंटम गैप डाउन आ चुका था अगेंस्ट आ रहा है फिर भी तो दिसकॉर्ट यहां किया है मार्केट यहां है बाइंग में ये चीज उल्टी होती है आपके साथ इसीलिए ना यू शुड नो वेन टू बाय टू सेल वट वॉज द डे मैंने ऑप्शन बाय किया था मैंने किस दिन ऑप्शन बाय किया था पिछले एक्सपायरी के दिन ऑप्शन बाय किया था मुझे मालूम था कि यार ये ऐसा ब्रेकआउट देने वाला है दिस वाज दिस इज एन ऑप्शन बाइंग डे यू नो सम पर्टिकुलर मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है आज देख रहे हैं कितना बड़ा मोमेंटम मतलब मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन ऑलरेडी दे चुका है मतलब एक सौ नौ का दे चुका है फिर धीरे धीरे तो मार्केट का आदत तो होता है यार धीरे धीरे ऐसे घूमते रहना परेशान करना तो इसीलिए साइडवेज आएगा तो भी प्रॉफिट स्लो जाएगा तो भी तो भी भी प्रॉफिट फास्ट मैंने इन द मनी शॉर्ट किया लोग यूजुअली आउट ऑफ द मनी शॉर्ट करते हैं सत्रह हजार शॉर्ट किया पीएन देखते हैं दो हजार मैटर नहीं करता पीस ऑफ माइंड कितना मैटर करता है देखो मैं मेरे शॉर्टिंग पॉइंट से कितना ऊपर हूँ ये यहां तक आएगा जब मैं बीस हजार प्रॉफिट में आ जाऊंगा तीस हजार प्रॉफिट में आ जाऊंगा

मैंने बताया था आपको अ वेरी गुड सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन थी थोड़ा पुल बैक लिया और हमारा ट्रेड अब लगभग लगभग काम करने लग गया है अगर मैं बात करूंगा मैंने साढ़े दस पे शॉर्ट किया था और देखो मेरे को ऑलरेडी मार्केट सिक्सटी फोर थाउजेंड प्रॉफिट दस हजार का लॉस यानी कि पचास पचास हजार प्रॉफिट पे हम आ चुके हैं रिलैक्स मैनर में सो गुड वी आर मेकिंग गुड प्रोफिट्स नाउ इन अवर निफ्टी

तो 45 माइनस ट्वेंटी करो 25000 प्रॉफिट दे रहा है हेज पोजीशन है मैंने हेज इज जस्ट लेकिन इंश्योरेंस काम नहीं अगर उल्टा अगर आपका ट्रेड सही चला तो हेज काम नहीं आता दे, देखो लेकिन स्पीड देख रहे हो ये कितने फास्ट बढ़ रहा है अभी 30000 प्रॉफिट हो चुका है ये धीरे मेल्ट डाउन करेगा क्योंकि इसमें काफी हद तक थीटा वैल्यू है हम इसे जिंदगी भर थोड़ा होल्ड करने वाले हैं हम इसे जल्दी कट करेंगे हमारा टारगेटेड होगा तो तो ये बहुत तेजी से भागेगा देखो वो वो उतना तेज भाग नहीं रहा इतना तेज ये भाग रहा है ये ज्यादा प्रॉफिट देने वाला है अपन को बहुत सही प्रॉफिट देने वाला है तो इसीलिए हम इसमें कहीं ना कहीं तीस चालीस हजार हमेशा आगे जैसे जैसे गैप बढ़ेगा मूवमेंट बढ़ेगा ये गैप भी बढ़ता जाएगा प्रॉफिट के साइड में तो दिस इज द थिंग क्योंकि हो सकता है लिमिटेड खत्म होने का इसका सिक्सटी रुपीज है खत्म मैक्सिमम सिक्सटी सिक्सटी तो बढ़ कितना भी सकता है तो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एन हेज अगेंस्ट फ्यूचर लॉट ठीक है चलो आई की भी पोस्टेड वंस वी आर बुकिंग प्रॉफिट्स इन निफ्टी नाउ एकदम राउंड फिगर पे अट्ठाईस सौ ट्वेंटी एट हंड्रेड पे मार्केट आके रिलायंस आके अटक गया है बढ़िया भाई और ये भी अपना काफी बढ़िया से नीचे की तरफ मोमेंटम देने वाला है ये भी वापस से नीचे की तरफ जा रहा है मैं देखा हूँ देखू तो पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कैंडल क्लोज होने वाली है अभी तो अच्छा अच्छा सेल पॉइंट रहेगा

बट फिलहाल के लिए ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेट कर रखा है पुण पुण बट मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ आपने देखा जब ये मैक्सिमम यहाँ तक खींचा था तो कितना रिस्क दिखा रहा था आपने देख, मेरे को याद है पंद्रह हजार बीस हजार पंद्रह हजार या अठारह हजार के ऊपर गया नहीं चलो बीस पकड़ लेते तो मैक्सिमम रिस्क बीस था इन रियल टर्म्स

वो ज्यादा लॉस दे सकता है इसीलिए द वेन यू आर नॉट श्योर अबाउट द बिग मोमेंटम डोंट गो फॉर बाइंग गो फॉर ऑप्शन सेलिंग दैट ऑल्सो डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग दैट इज द बेस्ट थिंग टू यू नो डू चलो देखते हैं क्या होता है अब तो देखो पर पूरा प्रॉफिट चला जाना चाहिए हम लोग आ चुके हैं अपने ब्रेक इवन पॉइंट पे आपको मालूम है ऑप्शन बाइंग तक लॉस भी दिखाने लगता है हम लोगों को सेलिंग में देखें क्या होता है प्लस में दिखा रहा है यार अभी भी अभी एक सौ इक्कीस था थीटा डीके के कारण एक सौ तेरह हो गया है सेम पॉइंट पे भी प्रॉफिट दिखा रहा है क्योंकि टाइम स्पेंडिंग है ना यार देखो हमने कितने बजे साढ़े दस पे किया था अभी साढ़े दस का मार्केट में साढ़े ग्यारह पचास हो गया है तो भी थीटा डी जो हो गया दस पांच सात रुपए का मेरे को प्लस में दिखा रहा है मेरी क्वानिटी ज्यादा है बट क्वान्टिटी कम भी होगी तो भी प्लस में दिखाएगा ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए अभी भी आपको आठ रुपए प्लस में दिखाएगा दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑलराइट तो इतनी देर में मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया काफी सारे काम कर लिए वापस आके देखा मेरा कोई अलार्म नहीं टिकर हुआ था मार्केट मेरे सप्लाई जोन के नीचे ही है जो रिटेस्ट लेवल था उसके नीचे ही चल रहा है और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी ऑन है कैम गोइंग टू एग्जिट इफ माय ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ब्रीचेस व्हिच इज दिस नाउ इट इज दिस अब वो मेरा लेवल ये बेसिकली इसके ऊपर की क्लोजिंग में आपको ट्रेलिंग धीरे तो धीरे मैं ट्रेल भी करते जा रहा हूँ तो बात करेंगे तो हम लोग कोई बहुत प्रॉफिट में नहीं होने चाहिए अपने मतलब ने किया था स्टिल वी आर एट प्रॉफिट बोले तो मतलब दस रुपए के आसपास हम लोग यहाँ पे कमा चुके हैं दस रुपए प्रीमियम टेन रुपीज प्रीमियम गुड थिंग जबकि मार्केट हिला भी नहीं मैंने बोला था ना धीरे धीरे साइड में साइडवेज जा रहा है भाई मार्केट टोटल साइडवेज जा रहा है अगर देखोगे तो क्रिएट अ काइंड ऑफ अ स्मॉलर टाइम फ्रेम पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा है बना कोशिश कर रहा है बना दिया है दिस इज अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ओवर हियर इफ यू सी तो ये अभी ऐसा कुछ बना दिया है मतलब साइडवेज जा रहा है दोनों तरफ तोड़ेगा मेरे डायरेक्शन में तो भी पैसा है साइड जाएगा तो भी पैसा है नीचे जाएगा तो भी पैसा स्लो ऊपर जाएगा तो भी लॉस नहीं है तो भी पैसा है क्योंकि अभी ट्रेल कर लिए ठीक है रिलायंस की बात करते हैं रिलायंस ने कोशिश की रिलायंस इज नाट दैट बिकॉज ऑफ दैट दिस इज दिस विल ऑल्सो ड्रॉप अगर मैं अपनी वॉचलिस्ट दिखाऊं आपको ये वाली जो मार्केट एनलिस बनाई थी मैंने सारे रेड में रिलायंस को छोड़ के देखे आपको ऑल आर इन रेड रिलायंस छोड़ तो रिलायंस भी ड्रॉप होना चालू किया है ये भी मेरे को प्रॉफिट देना स्टार्ट किया है अभी-अभी तो चलो विल होल्ड रिलायंस रिलायंस तो बहुत बढ़िया ट्रेड पकड़ा अपन ने प्लान्स को होल्ड करेंगे हमको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स दे सकता है सबसे ज्यादा जरूरत ना रिलायंस के हेज की अपन को नीड है पता है गैप अप से बचने के लिए अगर बड़ा 3% का गैप अप खुल गया अपन सिर्फ नेकेड, नेकेड नंगी पोजीशन लेके बैठेंगे फ्यूचर्स को सेल करने की तो नंगे हो जाएंगे इसीलिए यह बहुत जरूरी है भले ये अपन को देखो इसी को बोलते हैं है कोई बढ़िया चीज नहीं कि भी हमेशा प्रॉफिट देते रहेगा लॉस लॉस भी देता है दिस इज गिविंग यू अ राइट नाउ का ये, का। ये खर्चा है मेरा इंश्योरेंस की तरह कि ये ये खर्चा बढ़ेगा पचास भी होगा सत्तर भी होगा एक लाख भी होगा डेढ़ लाख भी होगा बट एक लिमिट के ऊपर नहीं बढ़ेगा तो लेकिन अगर कुछ गलत हो गया तो तो फिर ये ये अपन को बचाएगा तो इसीलिए नेकेड पोजीशन नहीं ले सकते इसीलिए हमने रिलायंस का यह हेज गैप अप खुलता अगर कल या परसों या मंडे को क्योंकि मंडे तो ट्रेड होल्ड करना है अपन को या ऐसे एंड तक अगर चार पांच परसेंट का टारगेट हिट होता है तो तो गाइज अब पोजीशन मोबाइल से मैनेज करनी होगी बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया बैंक जाना है किसी रीजन से तो अब मोबाइल पे मिलते हैं ठीक है और चल रहा है सब कुछ ऑल ओके ऑल गुड नाइनटी प्लस में छोड़ के जा रहे हैं बट मैनेज करेंगे मोबाइल से और हाँ गैस, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि कहीं अगर इन्वेस्टमेंट करनी सही जगह तो वो रिलायंस नहीं है वो है आप अपने ऊपर अपनी एजुकेशन पे तो इज एन ऐप कॉल्ड जिसके बारे में मैंने काफी वीडियोस बनाए हैं इसमें बहुत सारी ऑडियो बुक्स हैं और जिनको बन सुन के अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं अब ये वीडियो ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर है तो एक बुक है ऑप्शन ट्रेडिंग गाइड बाय अवधेश श्रीवास्तव

डिस्काउंट पा सकते हो फिफ्टी परसेंट का अकाउंट वन नाइन्ज में मिलेगा मतलब वन नाइन नाइन मतलब बहुत कम हो गया है मतलब एक रुपए भी कम एक दिन एक साल में एक रुपए से भी कम तो दो सौ रुपये एक साल का है तो बिल्कुल अगर इंस्टॉल नहीं किया तो कर लेना और किया है इंस्टॉल तो ये बुक सर्च कर लेना जो मैंने आपको बताई और गाइस इंटरनेट थोड़ा सा चलो अब आपके सामने है हमारा दूसरा टारगेट हिट हो चुका है लेट्स कम हियर एंड लेट्स वी कैन जस्ट गो है 2 लाख के आसपास हम पहुंच ही चुके हैं एक बार और देखेंगे यहाँ पे ये कैंडल क्लोज होने में बस कैंडल क्लोज हो चुकी है और अब हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करने वाले हैं तो बुकड लाख चौदह लगभग लगभग हमने लाख रुपए के आसपास बुक कर लिया विच इज अराउंड ऑफ द कैपिटल दैट वाज यूज्ड ओके सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो दिस इज लाइव ट्रेड आपके सामने एच के साथ ले रहे हैं फिर भी अपने एक लाख प्लस पे आ चुके हैं रिलायंस में भी परफेक्ट लेट्स होल्ड दिस ट्रेड रिलायंस का भी चार्ट देख लेते हैं वीडियो खत्म हो गया है और अब आप आपसे मिलेंगे थोड़ी देर में ओके तो रिलायंस डेली टाइम फ्रेम पे बढ़िया ट्रेड दे चुका है मेरे को तो चलो बढ़िया है गाइस मिलते हैं आपसे आउटरो में ऑलरेड गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो आपको देखने में मजा आया एक डिस्क्लेमर दे के जा रहा हूँ ये रिलायंस का ट्रेड अब आपने देख लिया मैंने लिया हुआ है तो मैं उसको कैसे मैनेज करूंगा वो मेरे पे डिपेंड करता है हो सकता है मैं मैं अगर वो तो मैं और फ्यूचर शॉर्ट करूंगा हो सकता है मैं पुट बाई कर लू अगर और नीचे करके हो सकता है मैं हेज बढ़ा लू अपना तो अगर आप मेरे को कॉपी करेंगे तो डिस्कलेमर है अपने रिस्क पे करेंगे money, right आप अपना दिमाग लगा के करेंगे ठीक है मेरे से आ, मेरे

क्या नया सीखने मिला आप लोगों को, क्या क्या, क्या चीज आपको लगी कि ऐसी पसंद आ रही है या आपको सिर्फ ऑप्शन बाइक की देखना पसंद है, क्योंकि मैं करता बहुत सारी चीजें हूँ शेयर वही करता हूँ जो मुझे लगता है काम आ सकती है तो क्या यह वीडियो आपके काम आया लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स थैंक यू सो मच गाइस यूज समय